आपने कई बार देखा होगा कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पर नाराज होते नजर आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही कुछ आलम था देश की सबसे स्वच्छ शहर इंदौर का, जब दिग्विजय सिंह अपनी प्रेस वार्ता के दौरान अपने ही कार्यकर्ताओं को खदेड़ते हुए गेट से बाहर भेज रहे हैं। साथ ही दिग्विजय सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं को लेकर एक बड़ी बात कह दी, जिसके बाद ये साफ नजर आता है कि दिग्विजय सिंह ने भी ये स्वीकार कर लिया है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर अनुशासनहीनता नजर आती है। देखो बात यह है, कांग्रेस में डिसिप्लिन ना जाए ना तो कभी चुनाव नहीं हार सकती। अभी तुम रुक तो जाओ। असल में इन दोनों दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश की अलग अलग विधानसभाओं में जाकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से वन टू वन चर्चा कर रहे हैं, साथ ही उनकी मीटिंग ले रहे हैं। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर यहां से कार्यकर्ता नहीं हटे तो मैं किसी भी कार्यकर्ता से चर्चा नहीं करूंगा, जिसके बाद दिग्विजय सिंह अपनी ही कुर्सी से उठे और अपने ही कार्यकर्ताओं को दरवाजे से बाहर किया। बीते दिनों दिग्विजय सिंह राजगढ़ के सारंगपुर में अपने ही पार्टी के दावेदार नेताओं को शपथ दिलाते नजर आए, कसम खिलाते नजर आए कि अगर पार्टी जिस भी व्यक्ति को टिकट देती है तो हम उनका विरोध नहीं करेंगे। लगभग 19-20 हमारे उम्मीदवार हैं, तो अब सबसे मेरी प्रार्थना है कि सब लोग हाथ उठाकर, हम दोनों हाथों से हाथ से हाथ जोड़ो, अपना वादा करो कि किसी भी हालत में जो घोषित उम्मीदवार के खिलाफ आप चुनाव नहीं लड़ोगे। मंजूर है? मंजूर है? मंजूर है? अब अगर कोई खड़ा हो गया तो आप किसी को भी इनमें से कोई खड़ा हो जाए बंदे के खिलाफ तो उसका सामाजिक बहिष्कार करो। कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह की ये नसीहत सिर्फ कांग्रेस पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के लिए नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े प्रदेश पदाधिकारियों के लिए भी है, क्योंकि इन दिनों कांग्रेस पार्टी के ही बड़े बड़े नेताओं के एक दूसरे को लेकर बयान सामने आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने अपने इस बयान के जरिए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पर भी निशाना साधा है। जिस तरह मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के सारे नेता अनुशासनहीनता करते नजर आ रहे हैं, जिस बात का सारा ठीकरा पीसीसी चीफ कमलनाथ के सिर पर फोड़ा जा सकता है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।